इन दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और बहुत हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट इंडियन गेम्स के बारे में, जिन्हें कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेल सकते हो। अब यार, प्ले स्टोर के ऊपर आपको पता होगा गेम्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, कुछ बहुत ही घटिया, कुछ बहुत ही बढ़िया, लेकिन इंडियन गेम्स को खेलने का अलग ही मज़ा होता है। अब यार, इंडियन गेम्स से हमारा मतलब है कि इंडिया में जो गेम डेवलप हुई या फिर इंडियंस ने जिन गेम्स को बनाया, उन गेम्स की आज हम बात करेंगे और टॉप 5 बेस्ट गेम मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो 3-4 दिन के बाद आ रही होगी क्योंकि तुम्हारे भाई को हो चुका है थोड़ा सा जुकाम और साथ साथ चल रहा है एग्ज़ाम, तो वो सब भी देखना पड़ता है। लेकिन खैर, एग्ज़ाम और जुकाम दोनों के कद्दू लेने, तो फटाफट आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे पहले गेम की, तो वो निकल के आता है भाई द गैंगस्टर। अब यार, गेम का साइज सिर्फ 150 MB है और गेम आपका बिल्कुल ऑफलाइन होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे हिंदी डायलॉग्स भी मिल जाएंगे और साथ साथ इंडियन गाने और इंडियन लोकेशन भी इस गेम में आपको मिल जाएगी। इस गेम की बात करें तो ये GTA सैन एंड्रियास की तरह बिल्कुल एक ओपन वर्ल्ड होने वाला है और गेम का साइज बहुत ही कम है, 150 MB में आपको एक ओपन वर्ल्ड गेम मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो जाओ यार, प्ले स्टोर पर सर्च करो भाई द गैंगस्टर। अगर प्ले स्टोर पर ना मिले तो गूगल पे कहीं भी सर्च कर लेना, ये गेम आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि यार, इंडियंस गेम मोस्टली प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनका कुछ सीन रहता है, तो इस करके आप कहीं और से इस गेम को डाउनलोड कर लेना अगर प्ले स्टोर पे ना मिले तो। तो इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। हिंदी में आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा और बहुत ही कमाल का एक इंडियन गेम है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पे अगले गेम की, तो वो निकल के आता है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप 3। गेम आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाला है और गेम का साइज़ है 700 MB से लेकर 1 GB तक। अब यार, ये गेम एक बेसिकली क्रिकेट गेम है और हमें पता है इंडिया में क्रिकेट कितना चलता है, तो इंडियंस को क्रिकेट बहुत पसंद है। अब यार, मुझे पता है कि असलियत में खेलने और गेम्स खेलने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन हमें पता है कि एंड्रॉयड के ऊपर क्रिकेट का एक अच्छा गेम कोई अवेलेबल नहीं है, इस करके ये गेम हमारा बेस्ट गेम है क्रिकेट का, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गेम पूरा इंडियन है, इसमें आपको हिंदी कमेंट्री भी मिल जाएगी। और हाँ, इस गेम को आप प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाओ डाउनलोड करो इस गेम को और इन्जॉय कर लो। दोस्तों, बात करें यहाँ पर अगले गेम की, तो वो निकल आता है लेजेंड ऑफ मराठा वॉरियर। अब यार, एक बहुत ही कमाल का इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बनाया गया एक गेम है। गेम के ग्राफिक उतने दमदार नहीं है, लेकिन ये आपको 2D गेम मिलता है एक, जिन लोगों को इस तरीके की गेम खेलना पसंद है। ऐसा एक और गेम था जिसका नाम था हिल क्लाइंब रेसिंग, वो भी इसी तरीके का ही गेम था जिसमें आपको पहाड़ वाला इलाका मिलता है और जंप जंप करके आपको आके पार करना होता। तो बस ये भी उसी के ऊपर बनाया गया एक गेम है, उसी के जैसा, बल्कि एक इंडियन गेम है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनाया गया गेम है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। इसमें आपको तलवार भी मिल जाती है और घोड़े पर चल के आप आगे आपको स्टेजेस को कंप्लीट करते जाना और एनिमीज़ को आपको तलवार से मार के डिफीट करना है। तो यार, ये बहुत ही कमाल का गेम है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके इस गेम को आप इन्जॉय कर लो। दोस्तों, बात करें यहाँ पे अगले गेम की, तो वो निकल के आता है आर्मी बैटल हीरो। अब गेम का साइज़ बहुत ही कम है और गेम आपका बिल्कुल ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन इस गेम की मेरे को एक सबसे ख़राब बात ये लगी कि यार, इंडियन आर्मी के ऊपर बनाया गया गेम है और इतने घटिया ग्राफिक है गेम के, लेकिन फिर भी गेम तो इंडियन है और इंडियन होने के नाते आपको इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे कि PUBG में होता है ना, ऑनलाइन आपको दूसरे प्लेयर के साथ बैटल करनी पड़ती है, बस ये भी उसी की तरह एक गेम है, लेकिन ये आपको ऑफलाइन मिलेगा। इसमें आपको रियल प्लेयर्स नहीं मिलेंगे और हाँ, 100 MB में रियल प्लेयर्स आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। और गेम के ग्राफिक तो देख लो इस तरीके के ग्राफिक्स हैं, तो हाँ यार, आपको इस तरीके की गेम खेलना पसंद है तो इसे भी डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको बहुत सारे मिशन मिल जाएंगे। इसमें आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ड्रॉप किया जाएगा जहाँ से आपको एनिमीज़ को डिफीट करना है, एनिमी मतलब आतंकवादियों को आपको मारना है। तो इस तरीके की गेम खेलना जिनको पसंद है, जाओ डाउनलोड करो और इन्जॉय करो इस गेम को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अगला गेम निकल के आता है उसका नाम है इंडियन एयरफोर्स। गेम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाला है और गेम का जो साइज़ है वो लगभग 250 MB से लेकर 300 MB तक। ये एक इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बनाया गया गेम है। कंट्रोल इस गेम के बहुत ही जबरदस्त है और इसमें आपको एरोप्लेन लेके अपने एनिमीज को डिफीट करना है, मतलब एयरफील्ड के ऊपर ये पूरी गेम आपकी होने वाली है। गेम का साइज़ भी बहुत ही कम है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके की गेम खेलना जिनको पसंद है और अपना इंडियन गेम है, तो इन इंडियन गेम को आपको सपोर्ट जरूर से करना चाहिए। तो इसे भी डाउनलोड करना चाहते हो तो इसे भी आपको सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करना है इंडियन एयरफोर्स। इस गेम को डाउनलोड करके आप इन्जॉय कर सकते हो। हाँ, तो दोस्तों, बस ये तो वो टॉप 5 बेस्ट इंडियन गेम्स। अब मुझे पता है यार, गेम्स तो उतने खास है नहीं, लेकिन यही मिले, जो भी मिले, तो इन गेम्स को आप जरूर से ट्राई करना। आपको एक इंडियन होने के नाते इन गेम्स को एक ना एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए और अपनी इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए। मैं पता है इंडियन के जो बेस्ट डेवलपर है वो बाहर फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उतना गेम का क्रेज़ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दिन ब दिन गेमिंग इंडस्ट्री जो इम्प्रूव होती जा रही है और इंडिया में भी क्रिएटर्स की जरूरत हमें महसूस हो रही है। तो इस करके आप यार, इन इंडियंस गेम को सपोर्ट दिखाएं और इन गेम को डाउनलोड करके आप खेलें। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए।
जय हिंद। Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the